अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ सुलेमान मकसूद है। मेरा चैनल सुलेमान प्रॉपर्टी डीलर के नाम से है। मैं कोशिश करता हूँ कराची की जितनी भी लीगल सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, उसके बारे में बताऊँ। आज मैं आया हुआ हूँ मलिर कैंट। इससे पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया, लोग मुझे कह रहे थे कि हाफिज़ साहब आप ब्लॉक 6 से दाखिल हुए, ब्लॉक 5 से दाखिल नहीं हुए गेट्स। ये बात सही है, मैं इस चीज़ की बड़ी माजरत चाहता हूँ। आज मैं दिखाऊंगा डिफेंस फेस 2 है, आज आप दिखाएं ये मलिर कैंट का 550-600 गज़ की यहाँ कटिंग है। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं अहमर भाई। आज अहमर भाई ने मेरे लिए टाइम निकाला, मैं इनका एक शुक्रगुजार हूँ। आज उन्होंने स्पेशल मेरे लिए टाइम निकाला, इन्होंने बोला हाफिज़ साहब आज मैं आपको पूरे मलिर कैंट के बारे में बताऊँगा, कौन सा फेस कहाँ लगता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये पूरी मालूमात इस वीडियो में हासिल होगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि हाफिज़ साहब ये किधर है, ये कहाँ है। मैं तो व्लॉग बना के अगले व्लॉग पर चले जाता हूँ, क्योंकि इसकी वजह के अगले व्लॉग पर, और ये मालूमात इस वीडियो में सब मौजूद है। आज मेरे साथ अहमर भाई मौजूद हैं, इसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमर भाई, कैसे हैं? ठीक है, कैसे हैं आप? खैरियत अहमर भाई, सबसे पहले मेरे कुछ सवाल हैं, ये बताएं हम कहाँ खड़े हैं, ये क्या है मुझे बताएं ज़रा। इस वक्त आप हैं यहाँ चेक पोस्ट 6 से आप लोग इन हुए, ठीक है, और लेफ्ट साइड पर DOHS 2 आता है जिसको फेस 2 भी कहा, ठीक है। ये इसका एक्सोरा पार्क है यहाँ पे मेन, और ये टोटली पार्क फेसिंग के आपको घर नजर आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये पार्क फेसिंग के घर है जो मेरे पीछे टोटली, ये वैसे सोल्ड आउट है, ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें कोई घर जैसे सेल करना चाहे लोग उस पर निकलते रहते हैं, तो उस पर हम आपको बेसिकली अभी पूरा ये फेस 2 विजिट कराएंगे, ठीक है। फिर हम आपको नेक्स्ट इसके SD हाउसेज हैं, ठीक है, फिर अस्करी 5 के फ्लैट्स हैं, उसके बाद फिर आपके पास हैं ये फेज 1 फेज 2 जे ब्लॉक एच ब्लॉक, ये सारा बाकी हम आपको विजिट कराते लेंगे टाइम। यार ये बड़ी अच्छी बात बोली है, आज मैं एक व्लॉग नहीं, कम से कम मलिर कैंट के जो व्लॉग बनेंगे कम से कम भी 4 से 5 व्लॉग बनेंगे मलिर कैंट के हवाले से। आज मैं अलग अलग फेस अलग अलग चीज मेंशन करूंगा। ये देखें आप रोड देखें, हर चीज की यहाँ फैसिलिटीज है, बिजली गैस पानी सब कुछ मौजूद है। आए चले मैं पूरा आपको डिफेंस फेस 2 दिखाता हूँ मलिर कैंट के अंदर, चेक पोस्ट 6 के ये अंदर है। आए चले अमर भाई दिखाएं, पूरा विजिट कराते हैं इनको, चले जी। अहमर भाई एक बात बताएं, यहाँ ये जो डिफेंस फेस 2 के अंदर घूम रहे हैं, क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक तो ये है कि ये पुराने एरियों में से आता है, जब मलिर कैंट न्यूली डेवलप हुआ था उस वक्त से आता है। आप ये मेरे राइट साइड पे देख रहे होंगे, फिर ये आपकी बात, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मोइन अख्तर मरहूम साहब का घर है। यहाँ कौन सा वाला? ये मेरे, ये जहाँ रेड गाड़ी खड़ी हुई है ना, देखें गेट पे आप मोइन लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये मोइन अख्तर साहब का घर है जो क्रिकेटर है? नहीं, ये कॉमेडियन है हमारे ना। अच्छा, मोइन अख्तर मरहूम है, ठीक ठीक भाई। ये तो आप देख सकते हैं ये 550 बस की कटिंग है, ठीक है। ये वैसे किसी ने 2 प्लॉट्स लिए हैं तो उन्होंने उस पर डेवलप किया हुआ है, जिस हिसाब से जिसकी जो रेंज है, जिन्होंने पहले वक्तों के लिए हैं। अच्छा, तो ये अहमद भाई एक बात बताएं, एक अंदाजा की टोटल कितना पड़ रहा है डिफेंस फेस 2? ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये यहाँ से लेके और पूरा चेक पोस्ट 6 तक ये घर ही घर है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे, और ये मैं आपको पार्क फेसिंग पे लाया हूँ, स्ट्रीट 1 जो है, इसके बाद पीछे 2 है 3 है सारा इस तरह। ये आपके ये दो घर हैं ये। अच्छा, ये दो घर हैं, दो हैं ये 550-500 वाले, ये मुबीन पीरजादा साहब हैं, पुराने यहाँ पे वालिद के भी हमारे दोस्त होते हैं। सही जी। अहमर भाई प्राइस भी बताते चलें, क्या प्राइस होने चाहिए अगर कोई घर खरीदना चाहे यहाँ पे? यहाँ पे आपको अराउंड 10 से 15 करोड़ के अंदर ये आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मेरे लेफ्ट पे दिखाएं, ये पार्क भी है सामने, ये एक जोरा पार्क है ये। अच्छा, ये पार्क फेसिंग के घर हैं जी, ठीक हो गया जी। अहमर भाई ये घर तो बड़ा यार माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए, अच्छा घर है। है तो ये पुराना, लेकिन ये रेनोवेट किया हुआ है, किसी ने अभी ये रिसेंटली परचेज किया। सही, उन्होंने रेनोवेट किया है। दोनों घर देखें आप, ठीक हो गया। अहमर भाई क्या कितने प्राइस में मिल जाना चाहिए अगर कोई कंफर्म अच्छे लोग आ जाएं, बोले यार हाफिज साहब घर दिलवा? एक्चुअली प्राइस तो यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन लोगों का ये है कि अपने हिसाब से जिसकी जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें ये मेरे ख्याल से तो यहाँ से आपको 12 से 15 के दरमियान मिलना चाहिए। अच्छा, जब 12 से 15 करोड़ रुपए जी, ये आप दिखा सकते हैं 550 गज के रोड देखें, आने जाने वाला रोड अलग अलग रोड है, ये 60-60 फीट के रोड है, और अच्छी फैसिलिटीज़ ये हैं, बिजली गैस पानी लाइट तो यहाँ जाती नहीं है, ऐसी है अमर भाई? जी बिल्कुल, लाइट यहाँ नहीं जाती है। और ये देख लें आप, और ये हम राइट पे मुड़ेंगे, कहाँ जाएंगे अमर भाई? ये पूरा ये स्ट्रीट 2 पे जाएंगे, उसके बाद फिर इसी के SD हाउस जो 1 यूनिट है 311 गज के वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखें, मैंने आपको बोला मैं और भी व्लॉग्स बनाऊंगा इस मलिर कैंट, क्योंकि मलिर कैंट काफ़ी बड़ा है और हर लिहाज से इसके फेस हैं। और अब हम डिफेंस फेस 2 से, आप कहाँ कौन से फेस में जा रहे हैं अभी? इसी में हम लोग स्ट्रीट 2 पे जा रहे हैं। स्ट्रीट 2 इसी, ऐसा सही है
जी अहमद भाई, ये देखें ये हम किस में कहाँ घूम रहे हैं? ये स्ट्रीट 2 पे हम बैक साइड पे फ्रंट से, और ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ये कम्युनिटी हॉल बना हुआ है जहाँ पे आप छोटे से कोई इवेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपका थोड़ा सा आगे आप देखेंगे वो मॉस्क आ जाएगी आपके, ये लेफ्ट साइड पे भी आप देख सकते हैं। मैं अहमद भाई की बात काट रहा हूँ माजरा से यार, जब मस्जिद और नमाज की बारी आ जाए, अल्लाह ताला हमें और आप सबको नमाज की तौफीक दे और दीन को चलने की अल्लाह ताला हमें समझ दे। आमीन। ठीक है भाई। अच्छा ये है, ये देखिए राइट साइड पे। अच्छा राइट पे क्या है? यहाँ पे भी वो मदीना मुनव्वरा की तरह आपने देखा होगा। हाँ हाँ वो सही है मदीना में जो मैं, ठीक वो जो खुल जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये मस्जिद ऐसे बनाई भी इन्होंने? जी ऐसे बनी, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ दे भाई। आमीन। और नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अब इसके बाद मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ, एसडी हाउस जो बने में, वन यूनिट जो बैंगलोर है, उसके बाद फिर हम अस्करी 5 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। अभी ये व्लॉग में और भी मलिक एंड की मैंने बताया 3 से 4 व्लॉग बनेंगे, पार्ट्स के डालूंगा। ये फर्स्ट पार्ट होगा मलिक एंड का, जो डिफेंस फेस 1 है, 2 है डिफेंस फेस 2 का। ठीक है। जी हाउस में जी कहाँ है अमर भाई अभी हम? ये एसडी हाउस पे है हम लोग, इसमें 311 गज के भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। ठीक तो है अमर भाई, इसके क्या प्राइस होंगे अगर इधर एसडी हाउस लेना चाहे? ये तकरीबन आपको 5 से 6 के दरमियान मिलना चाहिए यहाँ पे ना। डबल स्टोरी सिंगल स्टोरी? नहीं, ये सब डबल बने हुए। इस पे जो है नीचे आपका मास्टर बेड और किचन होता है, बाकी 3 बेडरूम ऊपर जो। अच्छा यार मकान तो अच्छे बने हुए जी। और ये ओल्ड मुझे लग रहा है थोड़े, ये खुद ही ये लोग कंस्ट्रक्ट करा के जो देते हैं ना। अच्छा सही है, ये उसके हैं ये। यहाँ प्लॉट तो खाली नहीं होंगे? प्लॉट नहीं, प्लॉट नहीं है ये आप। और इसमें एक इनका ये है कि आप इसको इसी तरह इसी नक्शे के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, आप इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं कर सकते। तो इसमें कितना टाइम लगता है कोई मकान खरीदता है तो? क्या पेपर्स में, क्या डॉक्यूमेंटेशन में, कितना टाइम लगता है? एनओसी में उसके 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी, फिर उनका जितनी फैमिली मेंबर्स हैं उनका एफए सेक्शन होता है 901 इंटेलिजेंस से, फिर जो क्लियर होता है वो फिर अपना सामान जब भी ला सकते हैं। मंदिर गैंड की अपनी एक एसओपीज है जी इनकी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये नेवी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी यही है, एनएचएस के अंदर। ठीक हो गया जी। ये अब मैंने पूरा डिफेंस फेस 2 दिखा दिया है, ये आप दिखाएं, ये पूरे घर यहाँ बने हुए, नीट एंड क्लीन गलियाँ हैं, मलिर कैंट डिफेंस फेस 2 है। मैंने आपको बताया भी है कि मैं बहुत से अभी ब्लॉग्स बनाऊंगा मलिर कैंट के अंदर, बहुत सारे फेस हैं, मैं सही से आज दिखाऊंगा मलिर कैंट पूरा दिखाऊंगा। अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने डिफेंस फेस 2 विजिट कराया। और मेरा नाम हाफिज़ सुलेमान मकसूद है, मेरा चैनल सुलेमान प्रॉपर्टी डीलर के नाम से है। मैं कोशिश करता हूं कराची की जितनी भी लीगल सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में बताऊं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं। आज आए हुए हैं मलिर कैंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।